एक मिनट प्लीज, मजाक नहीं, सीरियस बात है। 7401 दे दो। नमस्कार, मुझे दो, स्पीकर कर दिया। तुम लगाओ अरविंदो का, भंडारी जी का लगाओ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। अच्छा, रिसेप्शन से। ये इनके जिनके एडमिट जो क्रिटिकल हमारे मरीज है, मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ, पूर्व मंत्री। जी सर, नमस्कार। जीतू भैया, बहुत नाम सुना है आपका। हाँ नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि अभी के हमारे आईसीयू के 3-4 बेड अवेलेबल हो जाएंगे या मंगाने? थोड़े रायसेन से 3-4 बहुत क्रिटिकल है, क्या व्यवस्था है भैया? मतलब कोविड के लिए? कोविड के लिए जितने भी है, वो अपन को डॉक्टर गोयनका से बात करना पड़ेगी। पूरा हॉस्पिटल फुल चल रहेगा। मैं आपको नंबर दे दूँ तो आप वो सेम बात कर लो। तो क्या स्थिति क्या है अभी? 3-4 बुलवा लूँ, अगर बात नहीं हो तो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? नहीं, वो तो सब जाएगा, आप बोले वो तो सब हो जाएगा, ऐसी भी बात नहीं। नहीं मतलब वो सीधे वहाँ से फोन कर रहे हैं आपके यहाँ तो मना कर रहे हैं, ये कहना? नहीं, अपन इसलिए मना कर रहे हैं कि अपने बेड पूरे फुल आ रहे हैं, पलंग भर चुके हैं। पलंग भर चुके हैं। अच्छा, डिस्चार्ज करेंगे किसी को तो कर देंगे जाके। ठीक है, चल एक मिनट अरविंदो में लगाते जाओ। ये चिरायु का है ना? अब हम लगाते हैं CMHO इंदौर। लगाओ जल्दी से, लगा जल्दी लगा यार, ये तो तुम्हें करना चाहिए। इंदौर यहाँ के CMHO को लगाओ, तिवारी को लगाओ। ये परिस्थिति है जग जाहिर। बहुत योद्धा हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कोविड को लेकर अपनी लड़ाइयां लड़ी। अब हेलो जी, मैं कह रहा था ये चोइत राम में जगह मिल जाएगी? चोइत राम में देखो जरा। हाँ देख के चालू रखूं? हाँ आईसीयू। हाँ कोविड का आईसीयू। हेलो, पूछ लो जल्दी से, पूछ के फोन नंबर वापस करेंगे आप? मैं चालू रखो? अभी कर, चलो उसको लगाओ। लखवानी चोइतराम में, लखवानी को लगाओ। लखवानी जी है चोइतराम के मेन कर्ता धरता है, वो मैं वहाँ का विधायक हूँ। अब मेरी स्थिति क्या है वो देखते हैं, चेक करते हैं, ओपन है सर। जल्दी से लगा, इतने देर लगे। ये खोप नहीं प्यार है वो क्या, आपके नाम से तो घबरा के वैसे ही देंगे। दो और लगा लेते हैं, फिर मेरा निवेदन है कि आपको अगर कहीं मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, कि ये सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप अपने अपने फोन से किसी भी हॉस्पिटल में लगाओ। जैसे यहाँ पे परिस्थिति आई है, वैसी ही परिस्थिति हर हॉस्पिटल की। विषय ये हंसी की, मजाक की, या क्रिटिसिज्म की, या आरोप प्रत्यारोप की नहीं, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं इससे लड़ के? सर सवाल ये, एक मिनट भैया। नमस्कार, जीतू बोल रहा हूँ। कहाँ हो बॉस? अच्छा, मैं के 2-3 ये आईसीयू के पेशेंट है भैया, भेजने पड़ेंगे, थोड़ी मदद कर दोगे क्या? नहीं, मेरे पास एक भी जगह नहीं है। एक पलंग आईसीयू का? हाँ, एक भी पलंग खाली नहीं। अच्छा, चाचा की तबीयत कैसी है उनकी? अच्छा, बेहतर है। ठीक है, चलो फिर हो तो मुझे बताना।
है ना, हेलो, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है बॉस। ये अरविंदो है ना, मालिक है भंडारी, कौन है आप, कौन से एक हॉस्पिटल भोपाल का और ले लो। मतलब कुल मिला के भावना ये है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। अब आप देखो कि पहले 20 दिन पहले जहाँ 1000 मरीज आते थे, वहाँ 2400 मरीज, 2300 मरीज, 2200 मरीज रोज मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ग्वालियर जहाँ पे पिछले 4 महीने में 3000 पेशेंट आए, 22 तारीख से पहले जो आयोजन हुए मुख्यमंत्री जी ने खुद ने किए, भीड़ की अपना स्वागत करवाया, उसके बाद 3000 पेशेंट हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, कोविड से। स्थिति यह है कि इंदौर में 1500 से ज्यादा, 15000 से ज्यादा, भोपाल में 12000 से ज्यादा, ग्वालियर में 15000 के आसपास, 7500 के आसपास मरीजों की संख्या हो गई ठीक होने वाले और ग्रसितों की। और हॉस्पिटल इन बड़े शहरों में नहीं है जगह, तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हुआ। मैंने कहा कि 1600 से ज्यादा मृत्यु हो गई, इसका दोषी कौन है। इंदौर में कलश यात्राएं निकाली जा रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा, छोटी छोटी बच्चियां 10-10 साल की, उनके एक मटके का लालच, एक साड़ी का लालच, उनको रोड पे मरने के लिए आह्वान कर रही भारतीय जनता पार्टी। आप देखो कि सिस्टम कैसा चरमरा गया। मुख्यमंत्री कहते हैं मैं पूजा करूं ना करूं, पर रोज समीक्षा करता हूं कोविड को लेकर, और हालात क्या है, क्या निर्णय, क्या डिसीजन, क्या किया आपने कोविड को लेकर सरकार ने। आप कहते हो समीक्षा के बाद कि इंदौर भोपाल कोई मरीज ना आए, जहां है वहीं इलाज करा, ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य है। तो ये कैसा आपका योद्धा, आप कैसे योद्धा हो लड़ने के लिए कोविड से। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मौत के गाल में पूरे मध्य प्रदेश को, इस सरकार ने अपने लालच, अपनी सत्ता के हवस और अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों की मौत कर दी। थोड़ी मुख्यमंत्री थोड़ा सा एहसास करे उस परिवार को जिसके घर में कोरोना आ गया, पूरा परिवार तड़प जाता। एक परिवार का आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो मकान गिरवी रख के इलाज करा सकता है। आर्थिक स्थिति मिडिल क्लास के व्यक्ति की नहीं है कि वो 5-6 से 6 लाख में ठीक होकर घर आ जाए। ये मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल्स की लूट और मध्य प्रदेश सरकार की उसको छूट। आप देखो कि भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में ला दी। मैं मानता हूं ऐसी सारी परिस्थितियों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसी वक्त एक व्हाइट पेपर, कोविड को लेकर आपने क्या किया, मध्य प्रदेश की जनता को क्या दिया और मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश कहां पहुंच गया, प्रदेश के सामने लाना चाहिए। रोज बड़े बड़े आयोजन, भाषण, मुख्यमंत्री को गालियां देना, पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी। इस बीमारी का पहला इलाज कोविड का है कि पूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, हर हॉस्पिटल में हो, सरलता से हो, सस्ती हो। तो मध्य प्रदेश के पास अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। ये मेरा आरोप नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं और ये अखबारों की हेडलाइन है। एक अखबार में कहा 250 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 450 में दे रहे हैं, दूसरे अखबार ने कहा चिरायु में 5 दिन तक रोक के रखे थे हमीदिया के 25 सिलेंडर, मतलब हमीदिया में ऑक्सीजन की कमी है, चिरायु देना नहीं चाहते। 350 करोड़ रुपए का खर्च, फिर भी संक्रमण बेकाबू, 81,000 केस मध्य प्रदेश में, 350 करोड़ की लूट,
जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने आपदा को अवसर समझो या अवसर बनाने की कोशिश और वाहवाही लेने की बात, मैं मानता हूं ये सब बातें, ये ऑक्सीजन संकट होशंगाबाद में लगेगा नया प्लांट, शिवराज ने उद्धव से बात की, अब बात की 4 महीने बाद, अभी तक सो रहे थे क्या, क्या समीक्षा कर रहे। मानना एक भ्रष्टाचारी लोगों का कुनबा, आरोप लगाता है पूर्व मुख्यमंत्री पर कि आपने ट्रांसफर की फैक्ट्री खोल ली, उद्योग खोल लिया, लगातार बयान। मैं पिछले 4 महीने कोविड की महामारी में जहां एक जगह से दूसरी जगह आना जाना प्रतिबंध था, इस सरकार ने क्या किया? ये भ्रष्टाचारी सरकार अपने आप को कहती है कि हम साफ गोई साफ तार से काम करते हैं। इस सरकार ने 10,000 ऑफलाइन टीचरों के ट्रांसफर किए अभी इस महीने, एक महीने। इस सरकार ने 10,000 से ज्यादा दूसरे अलग अलग विभागों के छोटे छोटे कर्मचारियों के ट्रांसफर किए। इन्होंने 70% आईएएस बदल दी, 65% आईपीएस बदल दिए, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर की रेंज 80% ट्रांसफर कर दी। ये सरकार आईएसएफ 50% वन विभाग के 50% ट्रांसफर कर दी, आरटीओ जगह जगह जिससे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये दोनों कुनबे, दो कुनबे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आए थे संतोष, उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य का सिंधिया का खेमा भारतीय जनता पार्टी में घुल नहीं रहा है। ये मेरे बयान नहीं है, अखबारों में मैंने देखे, ये घुलने वाला पदार्थ है ही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जलने वाला पदार्थ है। ये भूले नहीं संतोष कि ज्वलनशील पदार्थ है, घुलने वाला पदार्थ है ही नहीं, या तो खुद जलेगा या तुम्हें जलाएगा, हम बच गए। आप देखो कि टीआई और पंचायत विभाग के 80% लोकल स्तर पर ट्रांसफर, सिर्फ पैसे की लूट, भ्रष्टाचार की छूट। हर मंत्री को शिवराज ऐसा है, शिवराज खुद समीक्षा नहीं कर पाते हैं एक एक विभाग की कि ये मेरा विभाग इसमें क्या चल रहा है। अगर करेगा तो मंत्री डराएगा, एक डरपोक मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश की सत्ता पे बैठ गया है, डरपोक मुख्यमंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से डरता है अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, मंत्रियों से डरता है मैं कैसे भी मुख्यमंत्री रहूं इसके लिए, और खुद हर तरह की कायरता, हर तरह की कायरता, केवल कमलनाथ को किसी न किसी रूप में आरोप प्रत्यारोप करके मैं अच्छा बनूं, ये कोशिश। मैं मानता हूं कि जनता को भ्रमाना, भ्रमित करना उनका मुख्य उद्देश्य। आज किसानों की 40,000 रुपए पर हेक्टेयर की डिमांड जो खुद ने उनमें की थी, आप राहत राशि क्यों नहीं देना चाहते? सिर्फ बयान और भाषण क्यों? किसान मेरा भगवान और मैं उसका भक्त, और बाकी किसानों की मैं हत्या करूंगा भगवान की, ये व्यवहार क्यों? आपने बिजली के बिल, कल मुरैना में एक सभा में कहा कि बिजली के बिल हमने माफ कर दिए, और दूसरी में कहा हमने स्थगित कर दिए। एक मुख्यमंत्री एक दिन में दो दो बयान, क्या हो गया भैया आपको? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने स्पष्ट करें कि किसानों के या आम आदमी के बिजली के बिल कोविड को लेके आपने माफ किए हैं या स्थगित किए हैं? और माफ किए तो हम आपका स्वागत करते हैं, और स्थगित किए तो आपसे ज्यादा झूठ बोलने वाला दूसरा मुख्यमंत्री नहीं। बात बहुत है करने की, पर एक महत्वपूर्ण बात, 6 महीने में जब से ये मुख्यमंत्री वापस बने, लगभग 5-5.5 महीने, एक काम प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये सब बताएं जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए किया, जिससे प्रदेश का भला हुआ, एक काम, सिर्फ एक काम इस 6-5 महीने कि ये कहें कि हमने ये काम किया जिससे मील का पत्थर साबित होगा। अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हुई थी, कहां हो, क्या हो गया उस आत्मनिर्भरता, समाप्त? आपने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को पोषित किया पिछले 15 साल में, जनता ने आपको रिजेक्ट किया, आप आए और फिर भ्रष्टाचार चालू। ये कृषि विभाग का, हॉर्टिकल्चर का,
एक घोटाला सामने आया तो आप पिछले 10 साल की जांच क्यों नहीं कराते, सिर्फ 6 महीने 8 महीने 10 महीने की जांच को कराना चाहते हैं। हमारे कृषि मंत्री ने लिख के दिया, एक उनकी नोट शीट है उन्होंने जारी की कि इस तरह से इस अधिकारी इसमें लिप्त है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मौन क्यों है ये सरकार, जब पिछली सरकार जांच के दायरे में ला चुकी थी पूरे घटनाक्रम को, तो आपने उसको क्यों, इसलिए कि गुजरात का एक व्यापारी उसमें लिप्त है इसलिए बचाना चाहते हो। ये नर्मदे नमामि योजना का घोटाला जिसमें उमंग सिंगार ने लगातार जांच के कोशिश की थी, जबलपुर का एक केस सामने आया है, ये पूरी डिटेल है ये, जिसमें बिना पौधे लगाए ही 2 करोड़ का 3 करोड़ का भुगतान कर दिया, 55-60 करोड़ का भुगतान हुआ था। आप हमें भ्रष्टाचार की बात सिखाते हो, खुद भ्रष्टाचार गले गले तक नहीं, सर सर तक नहीं, सर से 6 हाथ ऊंचे आपके भ्रष्टाचार दौड़ रहा है मुख्यमंत्री जी, और कमलनाथ पे आरोप प्रत्यारोप करते हो। 50-50 करोड़ रुपए देके आपने विधायक खरीदे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार देश में नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ, लोकतंत्र में नहीं हुआ। इतने बड़े भ्रष्टाचार के आप भागी हो, आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बात करना एक तरह से पाप है। तो आप भ्रष्टाचार की भी जब बात करते हो तो पाप की बात करते हो, खुद उसमें लिप्त हो। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन सब बातों को जनता तक ले जाने की बात करी है। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे, हमारी अभी कोशिश होती है कि हम कम से कम जनता के बीच में जाएं, जिससे ये कोविड की बीमारी से जनता बचे। मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आपसे प्रार्थना है कि कोविड की महामारी में संयम और राजनीतिक फूट से ज्यादा लोगों की जान है, ये संक्रमण की रोकथाम है, कोरोना से लड़ाई है, इसमें आपका पहला अधिकार है इससे लड़ने का, और एक मर्यादा सहित कोई योजना बनाने का। कांग्रेस पार्टी आपका साथ देना चाहती है इस जंग में, हम चाहते हैं कि कोविड से लड़ने में सरकार का हम साथ दें, पर सरकार ही भ्रमित हो जाए तो कौन क्या करे। मैं मानता हूं कमलनाथ जी ने स्पष्ट संयम के साथ राजनीतिक आयोजन की बात की, कभी वो निकले नहीं कि भीड़ होगी तो कोविड ज्यादा फैलेगा, एक एक मर्यादा एक नेता ने रखी। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आप सबको सर भी दे दे। हम मानते हैं हम सबको मिलकर इस कोविड से लड़ना चाहिए, और शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि आप जबरदस्ती के मुख्यमंत्री हो, कुर्सी हत्या कर बैठने की चोरी की कुर्सी पर बैठे हो आप, तो चोरी की कुर्सी पर बैठ के जितना हो सके भला करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। ऐसे जैसे जैसे जितना समय है उसमें संयम से मध्य प्रदेश का और लोगों का भला कर। ये चुनाव आयोग और सरकार ने तय करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उपचुनाव करा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव होंगे हम तैयार हैं। हमने तो मांग की थी कि जल्दी से कोई नई योजना बना के जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, कोविड की महामारी से बचा जाए, और चुनाव हो, इसलिए हो कि ये जो सत्ता के चोर डाकू, इनको मध्य प्रदेश की जनता हटा सके। कि हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक नर्मदा की बात है या यात्रा की बात है, मैं मानता हूं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही उस काम को कर रहे हैं, इसीलिए 12 दिन चले। जो यात्रा 10 दिन में पूरी हो सकती थी, 8 दिन में पूरी हो सकती थी, उसको 11 दिन चलाया गया। इसका मूल कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का असली भ्रष्टाचारी चेहरे को भी तो सामने लाना है, उसमें आप सब लोग लिखते हो, अखबारों में आता है, और जब उस बात को एक राजनीतिक दल विपक्ष नहीं उठाए, ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इनके भ्रष्टाचार को सर्वविदित करना भी हमारा दायित्व है, वो हम कर रहे हैं। और कोई, थैंक यू। पहले दो तरह की बातें हैं, दो तरह की। हम जब बात कहते थे तो हम विपक्ष में रह के अपनी बात कहते थे, शिवराज जी अभी सत्ता में है, झांझ मंजीरे बजा रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी अगर आरोप लगाने से पहले एक मुख्यमंत्री ये कहता कि ये ऐसा था, भ्रष्टाचारी था, तो आप क्या गीत गा रहे हो कुर्सी पे बैठ के, कार्रवाई क्यों नहीं करते। झूठ, भ्रम,
मायाजाल, लोगों को भ्रमित करना शिवराज का पर्याय है। इसलिए इनके आरोपों में इसीलिए सच्चाई नहीं है कि जो मुंह से बोलता है और काम नहीं करता है। कमलनाथ कहते थे मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर है, ये मुंह चलाने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी 100% उसका मोटिव देश का भला कैसे हो, जनता का भला कैसे हो, इसको सेकंड, और खुद पार्टी का और हमारा भला कैसे हो, उपचुनाव उनकी प्रायोरिटी है। उन्होंने जितने स्तरहीन जाकर देश के प्रधानमंत्री ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री ने हमें कहा कि सरकार गिरानी है, तो इतने स्तरहीन जाकर प्रधानमंत्री ने सत्ता गिरवाई, तो नेचुरल है उनको लोगों की जान से मतलब नहीं है। उपचुनाव की तैयारियों के संदर्भ में ऐसी तैयारियां जिससे लोग भ्रमित हो, भूमि पूजन हो, किसी प्रकार का आयोजन हो, जनता को हम प्रभावित करें, ये कर रहे हैं जो कि गलत है। और चुनाव की तैयारी नेचुरल है उनकी है, चुनाव होंगे तो हम भी करेंगे। इसको चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेना चाहिए, स्थिति भयावह है। और मैं मानता हूँ कि चूंकि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता एक राजनीतिक दल की का दायित्व होता है, जब चुनाव आते हैं तो उसको जनता के पास जाके जीतना होता है। अगर सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ऐसे नियम बनाएगा तो हम पालेंगे, अगर नहीं बनाएगा तो हम भी जनता है, क्योंकि सरकार तो खुद चाह रही है कि हम नियम तोड़े। सरकार तोड़ रही है, मुख्यमंत्री उसके नेता है, नहीं नियम तोड़ने के, लॉकडाउन के नियम तोड़ने के प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं उसकी अवहेलना करने वाला कोई एक योद्धा है जो नेतृत्व कर रहा है, वो शिवराज सिंह चौहान। विजय शाह जी क्या क्या करते हैं और कब कब करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, सर्वविदित है। वो एक भाषण उनका वायरल हुआ था झाबुआ में, वो सर्वविदित है। तो वो कहाँ कटिंग बनाएंगे और कहाँ कपड़े उतारेंगे और कहाँ कपड़े पहनेंगे, वो ही जाने, उनके लिए मेरे पास कोई जवाब। फिर से मैं सॉरी, मैं फिर से बताएं एक क्या था, पंद्रह साल की शिवराज सरकार का जो प्रोत्साहन है स्वास्थ्य को लेके, कि एक भी जगह स्वास्थ्य सेवाएं एक जिले में भी पर्याप्त नहीं है, जहाँ तक कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर ऐसे शहरों में भी नहीं। तो आप इस जो बैतूल का मामला है, ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों जगहें हैं जहाँ शिवराज का रोज चेहरा दिखता है कि कुछ नहीं किया है। कई महिलाएं मरती है, कई परिवार के बुजुर्ग मरते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, एम्बुलेंस की कमी होती है, डॉक्टरों में अलग अलग हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट की कमी होती है। ये असली पारितोषित है शिवराज के 15 साल का। तो शिवराज जी का चेहरा दिखता है उस महिला के पूरे कृत्य में, मैं मानता हूँ कि ये शिवराज की करनी और कथनी का अंतर है। ये बिल्कुल सही है, एक तरफ हम रोज कोरोना को लेके बात करते हैं, दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे चलना चाहते हैं। अभी इंदौर में, सांवेर में और आगर में कमलनाथ जी का कार्यक्रम घोषित हुआ है, पूरी तैयारी सोशल डिस्टेंस के साथ, हर कुर्सी की दूरी कितनी होगी, कौन कौन कैसे बैठेगा, ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुल मिला के चूंकि हम राजनीतिक दल है, जब सत्ताधारी दल वो काम करता है तो हम कितने दिन धैर्य रखें, कब तक धैर्य रखें। आज आप देखो ये 3 महीने से 2 महीने से कर रहे हैं, 2 महीने बाद जब हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोग जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इनका विरोधी इतना है कि भीड़ इतनी होती है कि हम कई बार चूक भी हो जाती, पर हमारी कोशिश होती है हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ये तो लोग जनता को मारने में लगे। धन्यवाद। आज आप देखो ये 3 महीने से 2 महीने से कर रहे हैं, 2 महीने बाद जब हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोग